हेलो बच्चा पार्टी, आज हम करेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। और इससे कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया। सो गाइस प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। फर्स्ट एंड सेकंड कंसेप्ट सेम ही चल रहे हैं कि इसमें हमें वॉल्यूम्स इक्वल रखने हैं क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है। अब इसमें ये बेल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लिसन केयरफुली। स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं अच्छे से, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। 20 meter डीप वेल, एक वेल है जो कि 20 meter डीप है, तो पहले आप फिगर देखते जाइए। एक वेल है, ठीक है जी, जो वेल है वो कितने मीटर डीप है आपका, जो वेल है वो 20 meter डीप है, ठीक है। वेल 20 meter डीप है विथ डायमीटर 7। डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना होगा, 7/2, तो ये मेरा हो गया 7/2 रेडियस, ठीक है। एक वेल जो कि 20 मीटर गहरा है उसको खोदा गया और खोद के जो अर्थ टेकन आउट मीन्स उसमें से जो मिट्टी निकली उसका क्या बना दिया गया, एक प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब सिलेंडर में से मिट्टी निकली और फिर हमने क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म। अब जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है आपको, ठीक है। प्लेटफॉर्म की हमें क्या दी हुई है, लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी हाइट, और ये प्लेटफॉर्म बन गया। तो हमें लेंथ कितनी दी हुई है इसकी, 22 meter, और ब्रेथ कितनी दी हुई है, 14 meter। वी नीड टू फाइंड द हाइट, ठीक है। हमने क्या किया, सिलेंडर से मिट्टी निकाली, सिलेंडर मतलब वेल की शेप का होगा सिलेंडर, तो वेल से मिट्टी निकाली, मिट्टी से क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है आपको। अब बताओ कि जो मिट्टी वेल से निकलेगी उसी से तो प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो इसका मतलब जो मिट्टी का वॉल्यूम होगा वो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसमें यही कंसेप्ट लगना है, देखो हम कैसे करेंगे और वहाँ से हाइट निकल आएगी। देखो सबसे पहले तो कंसेप्ट क्या लगना होता है वो लिख लो, कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल होगी, ठीक है। अब जो अर्थ टेकन आउट है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिलेंडर का, क्योंकि निकल किससे रही है मिट्टी, वेल से, और वेल के शेप का है सिलेंडर का, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, पाई आर स्क्वेयर एच। अब वेल की चीज़ें लिख लो जरा साइड पर समझने के लिए। वेल का जो रेडियस है 7/2, और वेल की जो हाइट है वो है 20 meter, तो ये आर और एच तो ये पुट करने हैं। और अब प्लेटफॉर्म के लिए समझ लो कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 22 meter, और ब्रेथ कितनी है, 14 meter, एंड हाइट वी नीड टू फाइंड आउट। तो सिंपल सब कुछ गिवन है, आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है। तो इधर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एल, क्योंकि क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, तो पाई। अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, कुछ कट मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिंपल पुट कर दीजिए, 22/7, रेडियस 7/2 का स्क्वेयर इंटू एच 20। मैं सिंपल वैल्यूज पुट कर रही हूँ, लेंथ 22, ब्रेथ 14, और एच हमें निकालना है, एच वी नीड टू फाइंड आउट, और ये एच क्या है, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ओके जी। आप बस सिंपल है, शिफ्टिंग कर दो और एच निकाल लो, 22/7 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय ना सिंपल एक्सपैंड कर दिया करो, एक्सपैंड करके ये जो 22 और 14 है वो आ जाएंगे, 22 भी नीचे आ जाएगा और 14 भी नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, एच, एच निकाल लो यहाँ से। अब देखो कटिंग हो रही है, 7/7, देन 2 1 2 10 2 1 2 11 7 1 7 2 then 2 1 2 5 11 1 11 2। तो आपके पास जो बचा एच कितना बचा, 5/2, मतलब 2.5 meter। तो देयरफोर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 meter। दिस इज योर आंसर। तो अब हम करेंगे इसके बाद, ये था क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4th भी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4th में क्या करना है। नाउ लेट सी क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th सेम है, बट फर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या था कि वेल में से जो हम मिट्टी निकाल रहे थे वो उससे हम क्या बना रहे थे, एक क्यूब प्लेटफॉर्म बना रहे थे, मतलब जो क्यूबॉइड शेप का था। लेकिन इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में इसमें से जो वेल से मिट्टी निकलेगी उसका हम एक एम्बैकमेंट बनाएंगे सर्कुलर रिंग का, और उसी के
वेल के ही चारों तरफ हम क्या कर देंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसे स्प्रेड कर देंगे. पढ़ते हैं क्वेश्चन, मतलब सेम है. उस क्वेश्चन में जैसे हमने क्या किया था कि जो मिट्टी का वॉल्यूम था वो किसके इक्वल ले लिया था, जो प्लेटफॉर्म बना है, क्योंकि जितनी मिट्टी कुएं से निकली थी उसी का तो प्लेटफॉर्म बना था. ऐसे ही इस क्वेश्चन में रीड करो, देखो समझ आएगा. बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट अलग है, बट मैं आपको पूरा पूरा ट्राई करूँगी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू प्लस फिगर के थ्रू कि आपको क्लियर हो जाए सब. एक बार समझ आ गया तो आप हमेशा याद रखोगे, ध्यान से समझना इसको. अ वेल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 meter इज स्टक. एक वेल, वेल की शेप का होगा सिलेंडर. तो जो वेल है जिसकी 3 meter डायमीटर है, उसे कितना गहरा खोदा गया, 14 meter डीप. अर्थ का मतलब यहाँ है मिट्टी, द अर्थ टेकन आउट. इधर अर्थ का मतलब है मिट्टी, ठीक है जी. तो जो मिट्टी निकली वेल में से, उसको उसके चारों तरफ, इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग. वेल के ही चारों तरफ सर्कुलर रिंग के शेप में स्प्रेड कर दिया गया, और उसकी चौड़ाई कितनी थी सर्कुलर रिंग की, विड्थ थी 4 meter, टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट. अब एम्बैकमेंट क्या होता है, देखो जो तो गाँव में रहते होंगे उन्हें पता होगा, कुआ, कुआ जो है अंडरग्राउंड होता है, धरती से नीचे ही होगा ना. अब लेकिन कुएं के ऊपर आप देखते हो कि सीमेंटेड बना देते हैं या ईंटों का बना देते हैं, घेरा सा, घेरा सा बना देते हैं जहाँ पर खड़े होकर लेडीज पानी भर सकती हैं अपनी बाल्टी से, ठीक है. आजकल तो ऐसे भी हो गया कि मतलब जो एम्बैकमेंट ना है उसके ऊपर पुली लगा देते हैं टू पुल द वाटर, ठीक है. तो मतलब एम्बैकमेंट क्या होता है, जो कुआ तो होगा अंडरग्राउंड, उसके अंडरग्राउंड से ऊपर जो सीमेंटेड चीज़ बनती है, जिसके, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप कैसे, गिरने का डर रहेगा, ठीक है. तो वो ऐसे प्रोटेक्शन के लिए हम लगा देते हैं कि ईजिली हम पानी फिल कर सकते हैं, ठीक है. अभी मैं ड्रॉ करके बताती हूँ. तो वो होता है एम्बैकमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट. देखो कैसे होगा, पहले आप फिगर समझ लीजिए. मान लो ये तो आपका है अंडरग्राउंड जो वेल है, ठीक है, ये आपका वेल है, वेल हो गया, और वेल के जो आपका डायमीटर है 3 है, तो मतलब इसका रेडियस हो जाएगा 3/2 meter. तो ये हो गया रेडियस 3/2 meter, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है आपकी 14 meter. ये तो हो गया वेल. तो जो ये वेल है, ठीक है, ये जो वेल है वो होगा धरती से नीचे अंडरग्राउंड. अब उसी के ऊपर, उसी के ऊपर जो है ना एम्बैकमेंट बनेगा. मैं एम्बैकमेंट को देखो कैसे बनेगा, इसी के ऊपर एक तो आएगा इस तरह से, ध्यान से समझना ये सर्कुलर रिंग कैसे बनेगी. अब थोड़ा सा ये इधर, मतलब इसी के ऊपर एक आएगा, और इसका ये हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ इन द शेप ऑफ लाइक दिस, ठीक है जी, इससे ऊपर ही रहेगा ये, ठीक है. तो इसी के ऊपर एम्बैकमेंट बना देते हैं. मतलब अगर आप कैसे देखोगे इसको, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है. तो एम्बैकमेंट कैसे है मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कैसे दिखेगा. ऊपर से अगर आप ऐसे कुएं के ऐसे झांकोगे तो कैसा दिखेगा, ये आपका एम्बैकमेंट है, ठीक है. यहाँ से ये तो जो वेल है, ये वेल सारा डीप जा रहा है, ठीक है, उसके चारों तरफ ये एम्बैकमेंट बनी हुई है. तो हमने क्या करना है, अब इस एम्बैकमेंट का क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है. अब आपको ये हाइट, ये वाली हाइट निकालनी है, ठीक है. ये इसकी मुझे क्या दे रखी है, ये जो विड्थ दी हुई है, ये दी हुई है 4 meter. एम्बैकमेंट की आपको चौड़ाई दी हुई है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट निकालनी है. मतलब ये कितना लंबा होगा ये फाइंड आउट करना है. तो कुएं के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है. अभी भी नहीं समझ आया तो ये देखो, ये हमारा, ये जो इंटरनल रेडियस है, इंटरनल रेडियस कौन सा लेंगे, जो हमारा क्या होगा, वेल का होगा. जो वेल का इंटरनल रेडियस, मतलब जो वेल का रेडियस है वही एम्बैकमेंट का इंटरनल रेडियस होगा. बट आउटर रेडियस हमें नहीं पता, हमें लेकिन ये पता है कि ये वाली जो विड्थ है वो 4 meter है एम्बैकमेंट की. तो आपको पता ही है इंटरनल रेडियस है 3/2 meter, ठीक है, और विड्थ दी हुई है 4 meter. तो क्या आप आउटर रेडियस नहीं निकाल सकते, आउटर रेडियस हम कैसे निकालेंगे, हम इंटरनल रेडियस में विड्थ को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो बाहर वाला रेडियस आ जाएगा. अब हम इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है, वो अभी हम आगे आएंगे. पहले मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि एम्बैकमेंट किस टाइप का आएगा. तो चलो हम आपको ना ऐसा करते हैं, एक गांव में कुआं ही दिखा लाते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि मतलब एम्बैकमेंट किस टाइप का होता है, उससे ज़्यादा क्लियर होगा. क्योंकि फिगर में इतना क्लियर नहीं होगा, मेरी ड्राइंग भी वैसे ही ऐसी है, तो फिगर में इतना क्लियर नहीं होगा आपका एक्चुअल में कैसा होता है एम्बैकमेंट. चलिए आइए दिखाते हैं. तो चलिए, तो अब हम आ गए हैं गाँव में, और गाँव में ये देखिए जो कुआं दिख रहा है, इसके आसपास लेडीज़ खड़ी है. तो
तो लेडीज कहाँ खड़ी हैं, जो ये सीमेंटेड पोर्शन है राउंड का, जो सीमेंट वेल तो पता है ना कि अंडर द ग्राउंड होगा, तो ये जो सीमेंटेड पोर्शन दिख रहा है दिस इज द एम्बैकमेंट। इस एम्बैकमेंट की हाइट निकालनी है आपको। तो एम्बैकमेंट क्या होगा, जो कुएं से ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है, कुएं से ऊपर वाला पार्ट, उसकी हाइट निकालनी है आपको। तो ये लाइव जिसने नहीं देखा हुआ, जो गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा, बट जिन्हें नहीं देखा वो आप देख लीजिए कि इस टाइप का होता है, जहाँ लेडीज खड़ी हैं घेरे में बाल्टियाँ लेके अपने पानी भरने के लिए, वो जो घेरा सा बना हुआ है वो दैट इज कॉल्ड एम्बैकमेंट, राइट। तो चलिए फिर से, यहाँ तो खड़े हुए क्वेश्चन नहीं होगा, तो अब गाँव से हमें वापस जाना पड़ेगा क्लासरूम में, तो चलते हैं क्लासरूम में। तो अब हम आ गए वापस क्लासरूम में, अब हम देखते हैं, अब आपको एम्बैकमेंट आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो पहले तो आपको क्या करना है, मिट्टी किससे निकाली, वेल से, वेल किस शेप में है, सिलेंडर, तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालनी है, जिसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिलेंडर का निकलेगा। तो वेल से मिट्टी निकली और एक एम्बैकमेंट बना, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल रखने हैं, पहली बात तो ये, क्यों, क्योंकि जिस मिट्टी को हम निकाल रहे हैं उसी से एम्बैकमेंट बन रहा है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम्बैकमेंट है उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये बहुत मतलब समझने वाली चीज़ है। मैंने आपको बताया एम्बैकमेंट ऊपर से ऐसे रिंग दिखेगा, और रिंग के फॉर्मूले में आपने याद होगा कैसे करते हैं, रिंग के फॉर्मूले में एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल्यूम कैसे होगा, चलो पहले कंसेप्ट समझ लो फिर करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, आपको क्या लगाना, क्या गया वॉल्यूम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, तभी मैं इतना टाइम लगा रही हूँ इसमें। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। सबसे पहली बात तो ये समझो कि हमने क्यों किया, क्यों, क्योंकि जो मिट्टी निकाल रहे हैं उसी से हमारा एम्बैकमेंट बन रहा है, और जो एम्बैकमेंट है वो किस फॉर्म की है, जो एम्बैकमेंट है वो सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है। तो आप ध्यान रखो कि ऐसी सर्कुलर रिंग जिसका इंटरनल रेडियस मुझे पता है, विड्थ पता है, एक्सटर्नल रेडियस भी आ जाएगा, इसकी हाइट निकालनी है। तो हमने क्या करना है, जब भी हमारा एक एक सीधी सी बात है, हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर बट हॉलो, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, ये तो सिंपल आ जाएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें स्मॉल आर क्या है ये भी लिख लेते हैं, स्मॉल आर है हमारा 3/2 meter, ये हम कर रहे हैं वेल के लिए, ठीक है, और वेल की हाइट कितनी है, वेल की हाइट है 14 meter। अब आ जाते हैं एम्बैकमेंट पे, ठीक है, अब हम लिख लेते हैं एम्बैकमेंट का, ये तो मैंने वेल का लिख लिया, अब देखो भाई एम्बैकमेंट का कैसे लिख लिया, पहले हमें सारी चीज़ें पता भी तो होनी चाहिए ना कि कैसे आई। एम्बैकमेंट का जो स्मॉल आर है वो तो 3/2 रहेगा, क्योंकि जो उसका अंदर वाला है वो तो कुएं से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर उसकी चौड़ाई चौड़ा हो रहा है, तो एक्सटर्नल रेडियस दूसरा चेंज हो जाएगा। विड्थ मुझे कितनी दी हुई है एम्बैकमेंट की, 4 meter, तो कैपिटल आर, आउटर रेडियस कैसे आएगा, 3/2 में मैं विड्थ क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी, सिंपल एज दैट। तो ये हो जाएगा 3 + 8, LCM लिया दैट इज 11/2। तो मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल आर भी आ गया, कैपिटल आर भी आ गया। स्मॉल आर वेल का और सर्कुलर रिंग का सेम रहेगा, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट कैसे आएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब यहाँ मैंने स्मॉल एच लिया, यहाँ कैपिटल एच इसलिए लिया, ये जो एच है, ये वाला जो एच है, ये किसका एच है आपका, दिस इज वेल की हाइट, मतलब सिलेंडर की जो वेल है उसकी हाइट है, और ये वाली जो एच है वो है एम्बैकमेंट की हाइट। तो हम कहीं पे लिख लेते हैं, लेट, ये लिख लेना कहीं पे, लेट कैपिटल एच बी द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, जो हमें निकालनी है, बी द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, जो हाइट हमें निकालनी है उसकी हाइट मैंने कैपिटल एच मान ली, ये अलग अलग रखनी है आपने। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच को यही रहने दीजिए, ईजी करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें से पाई एच कॉमन आ रहा है, पाई एच कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इन ब्रैकेट, पाई टू पाई कैंसिल, एच एच मत कैंसिल कर देना, क्योंकि ये एच वेल का है और ये वाला एच एम्बैकमेंट का है। अब कैप स्मॉल आर कितना है, 3/2, ये मैंने वैल्यूज लिखी हैं, और एच स्मॉल एच कितना है, 14। कैपिटल एच वी नीड टू फाइंड आउट, एम्बैकमेंट की हाइट हमें निकालनी है, कैपिटल आर क्या निकला था मेरा, 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस, और स्मॉल आर कितना एम्बैकमेंट का, 3/2। अब इजी है सॉल्व करना, उसके बाद आंसर। अब इसमें क्या करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, दैट विल मेक द कैलकुलेशन मोर इजी। कैसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी एंड ए
माइनस भी, बाकी आप अपने तरीके से स्क्वायर सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। तो 3/2 × 3/2 2 × 14, इसको ऐसे करें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम सीधा शिफ्टिंग करके करेंगे। फिर 3/2 × 3/2 × 14 ठीक है, इज इक्वल टू एच, ये कितना आ जाएगा 14/2, एलसीएम जब आप लोगे 14/2 × 11 − 3 8/2 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें शिफ्ट यहाँ कर देंगे और एच आ जाएगा, तो इसका मतलब एच कैसे आएगा मेरे पास 3/2 × 3/2 × 14, ये तो सारा अपनी जगह पर था, इसको शिफ्ट कर रही हूँ तो 2 तो पहुँच गए ऊपर, ये जब इधर शिफ्ट करोगे 2 ऊपर पहुँच जाएंगे और 14 और 8 नीचे, बस अब कटिंग करके आंसर निकाल लो। तो तभी मैं सॉल्व नहीं कर रही थी दोनों साइड, क्योंकि कट हो जाना है 14 × 14, 3 × 3 = 9, 9/8, 9/8 को हम कर लेंगे पॉइंट्स में, 8 × 1 = 8, हेयर 0.0, देन 8 × 1 = 8, 2, देन 8 × 2 = 16, 4 × 8 = 5, तो 1.125 मीटर क्या आ गई आपकी एम्बैकमेंट की हाइट आ गई, 1.125 मीटर इज़ द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ एम्बैकमेंट इज, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट जो हमने कैपिटल एच मानी थी वो कितनी आ गई 1.125 मीटर। आंसर को जरूर हाईलाइट करके आया करो। तो ये हमने कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस, एंड अगर आप चैनल पे गाइस न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शो सम लव, बिकॉज वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू ड्यूरिंग कोरोना वायरस, सो प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।